इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा गया है कि आपको एक फंक्शन दिया गया है और उस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है, मोड अंडर एक्स माइनस वन, ऐसा ही है। ठीक है, अब देखिए इस फंक्शन को हम यहां से क्या करेंगे ना, यहां से ना इस फंक्शन को हम जो है एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, एक्सटेंड क्या करेंगे इसको लोग समझेंगे। देखिए मोड के अंदर कोई भी वैल्यू होता है तो हमेशा जो है वो वैल्यू कहीं ना कहीं वो जो है पॉजिटिव देता है। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू जो है एक्स माइनस वन, केवल इसको देखना है, ये जो एक्स माइनस वन है मॉड को हटा दीजिए, पहले इसको देखिए एक्स माइनस वन को, एक्स माइनस वन जो है वो एक्स माइनस वन कब रहेगा, जब एक्स का वैल्यू जो है वो जीरो योग से बड़ा होगा, सॉरी वन योग से बड़ा होगा, जब वन योग से बड़ा होगा तब जो है इसका वैल्यू क्या होगा मेरा, तब इसका वैल्यू मेरा होगा ये एक्स माइनस वन। ठीक है, एक्स माइनस वन होगा और ये वैल्यू जो है पूरा वैल्यू, ये पूरा वैल्यू जो है ये नेगेटिव में आ जाएगा, कब, जब एक्स जो है वो वन से छोटा रहेगा, जब एक्स का वैल्यू आप वन से छोटा डालेंगे। ठीक है, वन से छोटा मीन्स जीरो डालेंगे अगर एक्स का वैल्यू, तो ओवरऑल इसका रिजल्ट जो आया है ये माइनस वन आएगा। ये अलग बात है कि मॉड है तो वो फिर से प्लस वन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी यहां पर देखिए कोई हम यहां पर देखिए मॉड नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन को समझना जो है वो थोड़ा सा जो है ये है मॉड एक्स, अगर ये मॉड एक्स है तो इसको अगर हम एक्सटेंड अगर करते हैं तो एक एक्स होगा वैल्यू, एक माइनस एक्स वैल्यू होगा। ठीक है, ये एक्स वैल्यू कब होगा, जब एक्स कहीं ना कहीं जीरो से बड़ा रहेगा और जीरो के इक्वल टू रहेगा, जब जीरो से बड़ा और जीरो के इक्वल टू रहा तब जो ये एक्स है ये पॉजिटिव कहलाएगा, लेकिन ये नेगेटिव एक्स कब कहलाएगा, जब ये जीरो से छोटा रहेगा। तो मॉड को इस तरह से ना हम लोग तोड़, एक तरह से कह सकते हैं आप तोड़ना। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको एक्सटेंड करके लिख सकते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये जो है पूरा मॉड का ही खेल है, ये पूरा जो है मॉड का ही खेल है, और ये तब होगा जब ये एक्स का माइनस वन जो है ये वन से बड़ा रहेगा, और ये तब होगा जब ये एक्स माइनस वन से एक्स जो है वन से छोटा रहेगा। अब अगर माइनस वन अगर हम इंटू करते हैं तो यहां पर तो माइनस एक्स हो जाएगा और यहां पर मेरा प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस एक्स प्लस वन होगा जब x का वैल्यू 1 से छोटा होगा, और x माइनस वन होगा जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब। यहां तक ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप यहां से देख करके भी ये बता सकते हो कि इसका डोमेन जो है, इसका डोमेन कहीं ना कहीं 1 से बड़ा भी x का वैल्यू आ रहा है यहां पर मेरा, यहां आप 1 से बड़ा रख सकते हैं, मीन्स 1, 2, 3, 4, 1 इंक्लूड है, कुछ भी रख सकते हैं, और यहां पर 1 से छोटा मीन्स 0, -1, -2 कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इसका वैल्यू जो है वो पूरा का पूरा रियल नंबर है। क्योंकि वन से अगर बड़ा खोजते हैं आप, अगर वन से बड़ा अगर इधर की ओर अगर चलते हैं तो आपका ये फंक्शन यूज हो जाना है, और अगर वन से अगर छोटा फंक्शन अगर आप यूज करते हैं तो आपका ये फंक्शन यूज हो जाना है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा रियल नंबर जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो पूरा रियल नंबर इंक्लूड हो गया इसमें डोमेन। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, पूरा का पूरा आर हो गया। ठीक है, इसमें जो है पूरा का पूरा रियल नंबर इसमें आ गया, वो हो गया इसका डोमेन। इसके बाद देखिए जो ये फंक्शन है मेरा, ठीक है, फंक्शन जो है मेरा ये मॉड अंडर एक्स माइनस वन, ठीक है, मॉड अंडर एक्स माइनस वन, ये आप एक्स का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, वन से बड़ा रखिए या छोटा रखिए, कॉमन सेंस है, वन से बड़ा रखिए या वन से छोटा रखिए, जब ये मॉड के अंदर में है, जब ये मॉड के अंदर में है तो मॉड के अंदर में कोई वैल्यू क्यों ना हो ये हमेशा जीरो से बड़ा या उसके इक्वल टू ही आएगा। ठीक है, इसमें एक्सपेंड इसमें जो है एक्सपेंड करने वाली कोई भी चीज नहीं है। देखिए मॉड के अंदर में कोई अगर वैल्यू है तो मॉड के अंदर में कोई वैल्यू अगर है तो वो ऑब्वियस है कि वो जो मेरा रिजल्ट देगा वो पॉजिटिव ही देगा, और अगर वो पॉजिटिव देगा मीन्स वो जीरो या जीरो से बड़ा ही देगा रिजल्ट हमेशा, चूंकि मॉड है लगा हुआ। अब यहां से आप देख सकते हैं कि इसका रेंज जो है वो कहां तक जा रही है, तो जीरो या उससे बड़ा जा रहा है, इसका मतलब है कि जीरो इंक्लूड है और इधर इन्फिनिटी मीन्स की जीरो टू इन्फिनिटी जो है इसका रेंज जा रहा है। बहुत मुश्किल तो नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, सिंपल है भाई, मेरे सिंपल है। मॉड को जो है इस तरह से आप ब्रेक करके और इसका डोमेन निकाल सकते हैं, और फिर जो ये जो फंक्शन दिया गया है चूंकि मॉड के अंदर में है तो आप यहाँ कुछ भी क्यों ना डाल दें, कुछ भी डाल दें ये हमेशा जो है ओवरऑल जो मेरा वैल्यू आएगा मेरा वो हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा, ये जीरो आ सकता है बहुत से बहुत, तो जीरो ये उससे बड़ा ही आएगा, तो जीरो और इन्फिनिटी इसका रेंज जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं।